ओम गुरुभ्यो नमो गम गणपतये नमो उन्मते नमो ब्रह्म रामाय नमो मातेश्वरी नमो नमः। ओम मातृ पितृ चरण कमलेभ्यो नमो नमः। ओम शांति 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 हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। स्वागत है ज्योतिष गुरुकुल ओडिशा राउरकेला में आचार्य संजय। आज का राशिफल, आज बुधवार 17 मई 2023 और ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष त्रयोदशी। आज का सूर्योदय का समय 5:29 AM और सूर्यास्त 7:05 PM। आज का चंद्र राशि आज सुबह 7:39 तक मीन राशि रहेगा, उसके बाद मेष राशि, और आज का नेचुरल 7:39 तक रेवती, और उसके बाद अश्विनी, डबल नक्षत्र का भोग है। आज का अभिजीत मुहूर्त कोई भी नहीं है। आज का राहु काल 12:17 PM से 1:59 PM तक है। दिशा शूल उत्तर दिशा है। आज का राशि बल वृष मिथुन कन्या तुला मकर मीन, और 7:39 तक ये रहेगा, उसके बाद दिनमान चेंज। मेष मिथुन कर्क तुला वृश्चिक कुंभ में पावर यहाँ जाएगा। आज का ताराबल नेचुरली डबल चेंजेस आ रहे हैं। अश्विनी भरणी रोहिणी आद्रा पुष्या अश्लेषा मघा पूर्वा फाल्गुनी हस्ता स्वाति अनुराधा ज्येष्ठा मूल पूर्वाषाढ़ा श्रवणा शतभिषा उत्तर भाद्रपद रेवती, इन नक्षत्रों में आज का बल रहने वाला है। चेंजेस 7:39 यानी 8 बजे तक चेंजेस देखने के लिए आएगा ऊर्जा में। अश्विनी भरणी कृतिका मृगशिरा पुनर्वसु अश्लेषा मघा पूर्व फाल्गुनी उत्तर फाल्गुनी चित्रा विशाखा ज्येष्ठा मूल उत्तराषाढ़ा पूर्वाषाढ़ा उत्तराषाढ़ा धनिष्ठा पूर्व भाद्रपद रेवती। ये था आज का नक्षत्र राशि और नक्षत्र का पंचांग। टारगेट मीन और मेष। तो आज का दिनमान डबल होगा, सुबह 8 बजे के बाद एक एनर्जी मिलेगा, उसके बाद चेंजेस। मेष के लिए पहला 8 बजे तक वो द्वादश का रहेगा, ज्यादा एनर्जी नहीं रहेगा, लेकिन उसके बाद दिनमान में ऊर्जा इंटरनली बढ़ जाएगा, ऑफिशियली नहीं बढ़ता है उसको। सुबह का जो सूर्य उदय नक्षत्र राशि रहता है उसी को मान्य दिया जाता है, लेकिन चेंज हो जा रहा है यहाँ पर। तो 8 बजे के बाद आपको कार्मिक ऊर्जा में चेंजेस 8 बजे के बाद देखना, आपके अंदर बल बुद्धि ताकत पावर बढ़ गया होगा, क्रिएटिव माइंड आता आना चालू हो जाएगा, पावर एकदम स्ट्रांग पे आ जाएगा, 70-80 का रहेगा, सुबह 20 तक रहेगा, और आर्थिक स्थिति भी एकदम उसी प्रकार चेंजेस, क्योंकि आप चेंज सब चेंज है। वृष राशि का बात करते हैं, द्वादश चंद्रमा हो जाएगा फर्स्ट, 8 बजे तक जो काम निकालना है निकालो, उसके बाद आप सेकंड हाफ में उतना एनर्जी नहीं पाओगे, खर्चा बढ़ेगा, नहीं चाहते हुए भी आपको थोड़ा परेशानी दिख सकता है। मिथुन का बात करते हैं तो दशम एकादश दोनों के लिए बढ़िया है, कुछ चिंता का बात नहीं है। कर्क का बात करते हैं, ये नवम दशम का रहेगा, सेकंड हाफ थोड़ा सा डाउनफॉल एनर्जी रहेगा, उसके बाद टॉप एनर्जी बढ़ने वाला है, बढ़िया रहेगा, आर्थिक स्थिति भी अचानक। सिंह का बात करते हैं तो सिंह के लिए ये बन रहा है अष्टम नवम, तो दोनों ही उतना बढ़िया नहीं है, लेकिन फर्स्ट हाफ का जो पीड़ा था, मेंटल टेंशन था, तनाव था, ये दूर हो जाएंगे, फिर नवम में थोड़ा आएगा, लेकिन उतना ज्यादा ऊर्जा नहीं देगा, 36-40 तक ऊर्जा मिलने वाला है, धन का स्थिति ठीक ठाक रहेगा। कन्या का बात करते हैं तो ये सप्तम से अष्टम में जाएगा, फर्स्ट सेकंड हाफ में जो काम निकालना है निकालो, उसके बाद मानसिक बाधा विघ्न कष्ट पीड़ा काम रुकना, उतना ज्यादा एनर्जी सपोर्टिव नहीं रहने वाला है कन्या वालों के लिए दिनमान में। उसके बाद तुला का बात करते हैं, तुला के लिए छठा सप्तम चंद्रमा दोनों बेस्ट गुड सॉलिड गो गो अच्छा है, इसके बारे में ज्यादा नहीं बोल रहा हूँ, और बात करता हूँ। धन का स्थिति भी ठीक रहेगा, आप ठीक, धन ठीक, धन बहुत रेयर कंडीशन, जैसे मंगल वहां बैठा है, धन उतना कवर अप नहीं करेगा, राहु केतु बैठे हैं अचानक कर देगा। वृश्चिक का बात करते हैं तो वृश्चिक के लिए आज छठा चंद्रमा सॉलिड गुड बेटर फर्स्ट हाफ, 8 बजे तक थोड़ा उतना ज्यादा एनर्जी नहीं मिलेगा, उसके बाद गो गो। बात करते हैं धनु, धनु के लिए ये फोर्थ एंड फिफ्थ का चंद्रमा रहेगा, नॉट गुड, उतना एनर्जी लेस रहेगा, कोई गुड बैड नहीं, मेंटली थोड़ा सा कहीं ना कहीं डिसीजन मेकिंग में प्रॉब्लम दे सकता है, थोड़ा सा एनर्जी लॉस कर सकता है, ज्यादा ऊर्जा नहीं लगेगा, कॉन्फिडेंस में कमी दे सकता है, लेकिन बाकी सारे क्षेत्र में ठीक ठाक रहेगा, आर्थिक स्थिति भी एकदम गुड। मकरू का बात करते हैं, चतुर्थ चंद्रमा 3 और 4 चंद्रमा, सुबह थोड़ा एनर्जी में काम ले लो, उसके बाद नहीं ले सकते हो, कॉन्फिडेंस में कमी हो सकता है, थोड़ा सा भय, और राहु के साथ भी चंद्रमा रहेगा तो और ज्यादा भय का बढ़ने का संभावना है, उतना ज्यादा मूवमेंट नहीं लेगा, आर्थिक स्थिति ठीक ठाक। धनु का बाद मकर के बाद कुंभ का बात करते हैं, 2-3 चंद्रमा है 2 और 3 पावर देता है, सॉलिड होता है, बढ़िया है, कोई बात नहीं है,
लेकिन धन उतना ज्यादा गुड़ अप नहीं दिखाने वाला कुंभ का, मुझे नहीं दिख रहा है, किसी को मिल जाए ठीक है। मीन का बात करते हैं तो 8 बजे तक काम निकालो भाई, उसके बाद नहीं निकाल सकते हो, थोड़ा सा संभल के रहना। तो ये था बेसिक राशि का सिनेरियो कि एनर्जी क्या मिलने वाला है, क्या नहीं मिलने वाला है, ऊर्जा कितना ठीक कितना नेगेटिव रहने वाला। उसके बाद आर्थिक स्थिति का बात बता दिया। अब बात करते हैं नक्षत्र, नक्षत्र का टारगेट नक्षत्र रेवती रहेगा और रेवती बुध का 3 नक्षत्रों में से आता है। तो सबसे पहले केतु का 3 नक्षत्र में जिनका जन्म है, अश्विनी मेष मेघा सिंह मूल धनु आपके लिए अतिमित्र जोन पे आ रहा है, गुड बेटर बेस्ट। शुक्र के 3 नक्षत्र में जिनका जन्म, भरणी मेष पूर्वा फाल्गुन सिंह पूर्वा साढ़ा धनु आपके लिए मित्र जोन पे है, गुड बेटर बेस्ट। तो केतु का अति मित्र ग्रह शुक्र का मित्र जोन पे है, सूर्य का 3 नक्षत्र कृतिका मेष वृष उत्तर फाल्गुन सिंह कन्या उत्तरा साढ़ा धनु मकर आपके लिए अगर बात करते हैं, जन्म संपद विपद क्षमा प्रत्यारे साधक बद्ध तारा प्यारे, थोड़ा सावधान रहे। चंद्र का 3 नक्षत्र में जिनका जन्म, रोहिणी वृष हस्ता कन्या श्रवणा मकरू आपके लिए, जन्म संपद विपद क्षमा प्रत्यारी साधक तारा प्यारे, गुड बेटर बेस्ट गो गो। मंगल के 3 नक्षत्र में जिनका जन्म, तो वृश्चिक मिथुन मृगशिरा वृश्चिक मिथुन चित्रा कन्या तुला धनिष्ठा मकर कुंभ आपके लिए, जन्म संपद विपद क्षमा प्रत्यारी तारा 50-50 में आ रहा है। राहु के 3 नक्षत्र में जिनका जन्म हुआ है उनके लिए, आद्रा मिथुन स्वाति तुला सतभिषा कुंभ आपके लिए, जन्म संपद विपद क्षमा तारा पे, गुड बेटर बेस्ट। गुरु के 3 नक्षत्र में जिनका जन्म, पुनर्वसु मिथुन कर्क विशाखा तुला वृश्चिक पूर्व भाद्रपद कुंभ मीन आपके लिए, जन्म संपद विपद डेंजर जोन पे जा रहा है, उतना ज्यादा बढ़िया नहीं है। शनि का 3 नक्षत्र में जिनका जन्म हुआ है, पुष्या कर्क अनुराधा वृश्चिक उत्तर भाद्रपद मीन आपके लिए, संपद तारा पे है, गुड बेटर बेस्ट। असले बुद्ध का 3 नक्षत्र में, अश्लेषा कर्क ज्येष्ठा वृश्चिक रेवती मीन 70% गुड 30% नॉट गुड। तो ये था आज का राशिफल नक्षत्र। बट एक चीज याद रखना, जिनको जिनको जो बोला हूं एक घर आगे समझ आए, जन्म बोला हूं तो 8 बजे के बाद संपद हो जाएगा, संपद बोला हूं तो 8 बजे के बाद विपद हो जाएगा, विपद बोला हूं तो 8 बजे के बाद क्षमा हो जाएगा, क्षमा बोला हूं तो 8 बजे के बाद प्रत्यारी हो जाएगा, साधक बोला हूं तो 8 बजे के बाद बाधक हो जाएगा, बाधक है तो 8 बजे के बाद मित्र हो जाएगा, मित्र है तो अति मित्र हो जाएगा। तो दिस इज ऑल अबाउट द सिनेरियो ऑफ राशिफल नक्षत्रफल, आपका एनर्जी कितना सपोर्टिव कितना नहीं सपोर्टिव यहां से समझ सकते हो। आज का कुछ स्पेशल विचार बात करते हैं, अर्थ के लिए धन के लिए अगर आप चाहते हो कि मेरे घर में धन स्थिर लक्ष्मी हो, अप डाउन नहीं हो, धन के मामले में जिंदगी में दुख कष्ट पीड़ा नहीं मिले, ऐसे कंडीशन में सबसे ज्यादा बनता है आहार शुद्धि के साथ, प्राणेश्च देवसे सर्वं त्रिदिवे यत् प्रतिष्ठितं मातेव पुत्रान् रक्षस्व श्रीश्च प्रज्ञाश्च विदे, जरूर प्राणायाम का साधना करें। कौन सा प्राणायाम? ये साधना वाली विषय है। अनुलोम विलोम भ्रामरी और ओमकार के साथ मंत्रों का चांटिंग और बैलेंसिंग प्राणायाम सबसे ज्यादा कर सके तो अच्छा है। अर्धनारीश्वर बेस्ड प्राणायाम कर सके तो ज्यादा अच्छा है। धन्यवाद। नमस्कार।